हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू D&D कंस्ट्रक्शन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जिप्सम वर्मिकुलाइट प्लास्टर। सो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे आज कि इसका वर्क कैसे होता है, ये कहाँ यूज़ करते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स, ये हमारा RCC सरफेस में 8 to 10 mm थिकनेस में यूज़ करते हैं, ब्लॉक वर्क पे 12 mm to 15 mm थिकनेस में यूज़ करते हैं, एंड जो सीमेंट प्लास्टर है उस पर अराउंड 10 to 15 mm थिकनेस में हम GVP यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, GVP हमारा बहुत ही अच्छा एंड परफेक्ट फिनिश देता है इंटरनल वॉल्स के लिए, इसीलिए हम इसको सीलिंग्स, हमारे रूम्स की सीलिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड इंटरनल वॉल्स है उसमें यूज़ करते हैं। जहाँ पे फ्रेंड्स वेट एरियाज है, बाथरूम्स एंड एक्सटर्नल वॉल्स, इसमें हम GVP यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, GVP हमारा बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिश देता है, इसके वजह से हम इसको रूम्स में यूज़ करते हैं फॉर प्रॉपर फिनिश, बिकॉज इसमें एंटी फंगल टाइप का प्लास्टर है जिससे फंगस जनरली हमारा डेवलप नहीं होता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो GVP बैग्स है ये जनरली 25 kg के होते हैं, एंड 170 rupees पर बैग अवेलेबल है इन मार्केट में। ये जनरली हमारा 3 months में हम ये साइट पे यूज़ कर लेना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, जो हमारे RCC सरफेस है, अगर हम RCC सरफेस पे जिप्सम यूज़ करने वाले हैं तो हम इसके लिए बॉन्डिंग एजेंट्स जो केमिकल्स है वो यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारा प्रोसीजर के ये कैसे हम साइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जिप्सम वर्क स्टार्ट करने से पहले ये हम जो लाइन दोरी है, जो एक्स एंड वाई एक्सिस में लाइन दोरी हम बांधते हैं, एंड ये लाइन दोरी से हम काटकोना करते हैं। जैसे 2 and 3 का काटकोना करके हम परफेक्टली लाइन दोरी को काटकोने में कर लेंगे, एंड काटकोना करने के बाद में लाइन से वॉल्स का मेजरमेंट लेते हैं। दोनों एंड्स में प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये एंड पे मेजरमेंट लिया, देन नेक्स्ट एंड पे परफेक्टली सेम मेजरमेंट लेंगे। इससे जो वॉल की थिकनेस है हमारे काटकोने में परफेक्टली रहेगी, एंड प्रॉपर लाइन एंड लेवल में हमारा मेजरमेंट होगा। एंड इसके लिए हम जो है सबसे पहले फ्रेंड्स हम करते हैं GVP स्पॉट लेवल पैड्स। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो हम बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं टिक्की धड़ा। ये फ्रेंड्स जनरली 1 meter by 1 meter डिस्टेंस पे रहना चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट भी हम मार सकते हैं ये टिक्की धड़ा। ये टिक्की धड़ा से हमारा एक प्रॉपर थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकनेस मेंटेन होता है। हम नीचे मेजरमेंट लेने के बाद में सेम प्लम बॉब से हम ऊपर भी हम टिक्की धड़ा मार लेते हैं सेम। तो ये हमारा प्रॉपर पूरी जो वॉल होगी वो प्रॉपर वॉल में हम टिक्की धड़ा मार देंगे। टिक्की धड़ा मारने के बाद में फ्रेंड्स स्ट्रिप लेवल पैड्स करते हैं। जो हमने टिक्की मारी थी ये टिक्की को हम वर्टिकल स्ट्रिप्स में हम फिल कर देते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एंड ये प्रॉपर एक्यूरेसी में होना चाहिए। तो ये एक्यूरेसी में होने से हमारा जो जिप्सम जब हम बाद में करेंगे तो ये प्रॉपर लेवल में होगा एंड फिनिश होगा, वेवीनेस नहीं आएगा। तो हमारा टिक्की धड़ा एंड जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हमारा एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ये प्रॉपर हो जाने के बाद में हम नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारा काटकोने में होने के बाद में नेक्स्ट हम जो करेंगे वो होगा हमारा मिक्सिंग वर्क। क्योंकि हमारा अगर स्ट्रिप, जो हमारी वर्टिकल स्ट्रिप सब हो गई है, फाइनल हो गई है, तो हम चेक करने के बाद में जिप्सम्स को हम प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिप्सम को मिक्स करने के लिए ये जो जिप्सम अवेलेबल होता है ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको हम एक प्रॉपर पेस्ट में बनाना है। तो पेस्ट में बनाने के लिए हम हैंड मिक्सिंग भी करते हैं, एंड हमारे हैंड मिक्सिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन में वाटर होना चाहिए। तो जो हमारा फ्रेंड्स जो पेस्ट है वो एकदम प्रॉपर हो, क्योंकि हम जब पर्निंग करेंगे तो पर्निंग करने के टाइम पे हमारा पेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज रफ सरफेस दिखेगा। इसीलिए हम इसको हैंड मिक्सिंग भी करते हैं, एंड फ्रेंड्स मशीन मिक्सिंग भी करते हैं। जो अवेलेबल होगा साइट पे उस टाइप से हम मिक्सिंग करते हैं। एंड ये मिक्सिंग हो जाने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो प्रॉपरली आप देख सकते हैं ये हमारा पेस्ट है। ये पेस्ट को इस टाइप से हम जो वर्टिकल स्ट्रिप्स थी आपने देखा था, हमने टिक्की धड़ा मारने के बाद में प्रॉपरली स्ट्रिप्स है, वो स्ट्रिप से हम ये बीच में पुन्निंग करते हैं। हमारी वॉल्स के बीच में हमने जो वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाए थे
उसमें हम जिप्सम पुन्निंग वर्क करते हैं। ये पुन्निंग वर्क फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस टाइप से जो पेस्ट है उसको हाथ से हम पुन्निंग करते हैं, हम फिल करते हैं दोनों स्ट्रिप के बीच में। एंड ये प्रॉपरली होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा फिनिश प्रॉपर नहीं आएगा। इसीलिए जो हमारा जिप्सम है, जो हमारा मिक्सिंग किया हुआ माल है, ये हमारा 15 टू 20 मिनट्स के बीच में फ्रेंड्स यूज़ हो जाना चाहिए। अगर यूज़ नहीं होगा तो फ्रेंड्स हमारे जो, अगर हम 30 मिनट्स के बाद में सपोज़ ये जिप्सम को यूज़ करेंगे तो वो हमारा जिप्सम डेड हो जाता है, और जो हम वॉल पे हम यूज़ करेंगे तो वो वॉल पे फ्रेंड्स हमारा फिनिश नहीं आएगा, क्रैक्स अवेलेबल हो गए। एंड क्रैक्स के वजह से जो अब हम पेंटिंग कर देंगे तो हमारा वो पेंटिंग के टाइम पे दिखेगा एंड वो प्रॉपर फिनिश नहीं होगा। तो हमारा जिप्सम जो है वो हमारा तुरंत ही जिप्सम जो है रेडी करने के बाद में 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स में यूज़ हो जाना चाहिए। एंड ये पुन्निंग वर्क करने के बाद में जो लेवल पट्टी होती है, लेवल पट्टी से हम प्रॉपरली फिनिश करते हैं। एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना स्मूथ फिनिश आता है जीवीपी प्लास्टर का। इसीलिए फ्रेंड्स इंटरनली हम वॉल्स पे एंड सीलिंग्स में जो सीमेंट प्लास्टर अवॉइड करके हम जिप्सम फिनिश देते हैं, तो इससे फ्रेंड्स जो पेंटिंग होती है, पेंटिंग में भी हमारा प्रॉपर फिनिश आता है एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिश दिखता है फ्रेंड्स। रियली आप जैसे कि देख सकते हैं कितना स्मूथ फिनिश आ रहा है ये सिर्फ पट्टी से। इसके बाद में हम प्रॉपर फिनिश करने के बाद में पेंटिंग भी करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। एंड फ्रेंड्स ये हमारा जनरली क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं। एंड हमारा जिप्सम वर्मिकुलाइट प्लास्टर में फ्रेंड्स हमारा मेन है कि ये वेट एरियाज में यूज़ नहीं कर सकते, तो इंटरनल जो वॉल्स हैं उसमें यूज़ करते हैं, जिससे हमारा अगर वाटर आता है, वाटर आने से हमारे जो फंगल डेवलप हो जाते हैं वॉल्स में, ये हमारा जिप्सम यूज़ करने के बाद में ये प्रॉब्लम हमारी इंटरनल अवॉइड हो जाती है, नहीं होता है ऐसा। एंड फिनिश भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा आता है, आप जैसे कि देख सकते हैं जिप्सम फिनिश कितना प्रॉपर आया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैक्सिमम टाइम हम जिप्सम यूज़ करते हैं साइड पे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना प्रॉपर जिप्सम फिनिश आया है, देख सकते हैं आप जिप्सम फिनिश, ये हमारा इंटरनल वॉल्स में है। सो फ्रेंड्स इस टाइप से हम प्रॉपर प्रोसेस में, क्वालिटी में जिप्सम करते हैं, काट कोने में करते हैं, जो कच है, फिनिश है, स्ट्रेट यूनिफॉर्म थिकनेस मेंटेन करते हैं साइड पे इस टाइप से। तो इस टाइप से ये फ्रेंड्स प्रॉपर हमारा जिप्सम करने का प्रोसीजर है साइड पे, हमारा काट कोने में होना चाहिए एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स नेसेसरी है वो सब हमको यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर इंजीनियर से चेकिंग भी करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो आपको ये जिप्सम के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जिप्सम साइड पे करते हैं।